बोले प्रभु मैं नहीं कहूंगा तो कहेगा कौन? राम जी की नेत्रों में लालिमा दौड़ गई और क्रोध में भर कर बोले कि जो मैं राम तो कुल सहित कहई दशानन आए, अगर मैं राम हूं तो दशानन रावण पूरे कुल के सहित जाकर कहेगा। जटायु जी बोले प्रभु वाह, जिस पर करुणा कर रहे हो उसे भी वहीं भेज रहे हो, जिस पर क्रोध कर रहे हो उसे भी वहीं भेज रहे हो। अच्छा, करुणा करने वाला तो अकेला जा रहा है, क्रोध करने वाला तो कुल के सहित जा रहा है, ये भगवान की करुणा। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हमें हंसी आ रही है आपका क्रोध देखकर। क्या कहा कि आपने जिंदगी में कभी क्रोध तो किया नहीं और पहली बार किया तो करना नहीं आया, कैसे कैसे करना नहीं आया? कहा आप कह रहे हो जही सायक मारा में बाली तही सन हतो मूड़ कहां, जिस बाण से मैंने मारा बाली को उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा, कब? कल काली। बाकी ऐसा क्रोध नहीं देखा, एक क्रोध आज आ रहा है मारेंगे कल। ये क्रोध है? अरे आपको लगता है तो हम जाते हैं ना अभी, हम मार के आते हैं, देख के आते हैं ससुरे को। और जब ऐसा कहा, अपशब्द कहे श्री लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी के लिए कि देख कर आते हैं हम उसे, और जब ऐसा कहा राम जी बोले अरे लक्ष्मण मार मत देना उसे बेचारे को, समझा देना, डराना, डरा देना, लेकिन इतना ही डराना कि हमारे पास आ जाए, इतना मत डरा देना कि भाग ही जाए। लक्ष्मण जी आए, खूब उपद्रव मचाया, सुग्रीव जी ने बुलाया, चरण स्पर्श किए और अपने पलंग पर बिठाया है सुग्रीव जी ने। पलंग पर क्यों बिठाया? तो इसीलिए पलंग पौढ़ाए, पलंग पर इसीलिए क्योंकि श्री लक्ष्मण जी हैं शेषनाग, शेषनाग, और सुग्रीव जी सो रहे थे। इस पलंग पर सुग्रीव जी सोते हैं। कौन कैसे सोते हैं? मोहनिशा सब सोवनिहारा, मोहनिशा सब सोवनिहारा, देखिए सपना अनेक प्रकारा, देखिए सपना अनेक 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 प्रकारा, अनेक 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 प्रकारा, मोहनिशा सब सोवनिहारा, मोहनिशा सब सोवनिहारा, अनेक प्रकारा, मोहनिशा सब सोवनिहारा, मोहनिशा रात्रि में सो रहे हैं। इस पलंग पर भी सुग्रीव जी सो रहे थे और इस पर शेषनाग को बिठा दिया। इसका अर्थ क्या? कहा कि जैसे कुछ ऐसी बात हो कि कोई व्यक्ति सोता हो और सोता हो सोए और उसके पलंग पर ज्यादा नहीं गलती से एक सांप दिख जाए। अच्छा, दिखे और फिर ना दिखे, उसकी नींद उड़ जाती है कि नहीं? मानो सुग्रीव जी सोचते हैं कि हमारी ये मोह रूपी निशा छूट जाए। राम जी के पास दौड़े दौड़े गए, कहा प्रभु इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, आपकी माया इतनी प्रबल है, आपकी माया का दोष,
और जिसने लोभ पास जिही घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। सभी बंदर भालू भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, और उसी समय पांचे पवन तनय सिरनाबा जानी काज प्रभु निकट भोला। भगवान ने कार्य जानकर अपने ही समीप बुलाया। पांचे पवन तनय सिरुनावा जान काज प्रभु निकट बुलावा। अब तो क्या कहना, भगवान श्री राम हनुमान जी को बुलाते हैं, मुद्रिका दी और विदा किया। अब सभी बंदर भालू चल रहे हैं, लेकिन सबको प्यास लगी, लगे कि नहीं? वहां पर कहा जाता है कि प्यास लगी, तुलसीदास जी ने लिखा, हनुमान जी को नहीं लगी। क्यों? छाया में चल रहे हैं। किसकी छाया में? शीतल सुखद छांह जही कर की मेंटत पाप ताप माया, निस्वास रचे तही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। और मुख में कुछ रखकर चूस रहे हैं, क्या? मुद्रिका। मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। किसी ने कहा, महाराज मुद्रिका क्या मुख में रखने की चीज है? क्या मुद्रिका मुख में रखने की चीज है? हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, लेकिन मुद्रिका में जो लिखा है वो मुख में ही रखने की चीज है। राम नाम।